यूपी के संबल में किसान की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मामला थाना धनारी के मंडावली गांव का है, जहां उधार के 30,000 रुपए वापस न देना एक किसान को भारी पड़ गया। बता दें कि खेत पर जा रहे किसान से आरोपी ने पहले तो अपने पैसे मांगे और बाद में उसको गोली मार दी। मामला संबल के थाना धनारी के ग्राम मंडावली का है। बता दें कि आज से लगभग 1 साल पहले मृतक किसान राम निवास ने आरोपी पोती से अपनी शादी के लिए 30,000 रुपए उधार लिए थे, जिसको लेकर आरोपी काफी समय से राम निवास से पैसे वापस मांग रहा था। बताया जा रहा है कि आज राम निवास अपने खेत पर जा रहा था कि तभी रास्ते में होती ने राम निवास को घेर लिया और उससे अपने पैसे मांगने लगा। कुछ देर में दोनों में कहासुनी हो गई। कुछ ही देर में बात बढ़ गई और आरोपी ने राम निवास को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। आनंद फानंद में परिजनों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसान ने अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में दम तोड़ दिया। दिन दहाड़े हुई हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। अम्मा, क्या नाम है आपका? बता दो बेटा, रुमाली। अच्छा, आप मढ़ावली की रहने वाली हो? अम्मा, आपके बेटे के गोली मारी है? हाँ। क्या है पूरा मामला? ये कुछ मामला ना हो, मेरे पास साल के राम निवास के सिगरी सबल भैया को इतने डारे कैसे करे तो ये नहीं ढलाए। अच्छा, 1.5 लाख है, मैं झूठ नहीं बोल। तो आपके बेटे को गोली मारी है? हाँ। इन होती वगैरह लोगों ने? हाँ। क्यों मारी है? पहले रुपए को कही है, एक दिन गाड़ी को पता ना भाई, कोई चेंग कारो ना हुआ, गुन्ने नो कह दे मोह पर ना आए मेरे को। चलो आज तो कोई कैसी ना पैसा नी ना टकन कोई कोई बात ना, आज तो गुन्ने रात आते मार। अच्छा, आपके बेटे कहाँ जा रहे थे उस समय? खेत पर जा रहे हो गन्या धुआ, मेरे खेत पर ही रहते हो सगरो चौमासो काउ तो पूछ ले पूरे गांव। फिर ऐसा क्यों हुआ, गोली मारी क्या? ऐसा ना कोई पीछे, इसके अलावा कोई आपकी पुरानी दुश्मनी या कोई रंजिश थी उससे? कोई। क्या नाम है आपका? सपना। सपना, किस गांव की रहने वाली? आज जो मामला हुआ है, क्या है पूरा मामला? मेरे पति सुबह घर से गांव को धोने गए थे, रास्ते में होती का घर पड़ता है, उन्होंने मेरे पति को घेर कर गोली मारी। किस बात पर मारी गोली? मैं हमारे एक के पैसे पहले उसने रख रखे थे, इसलिए इस कारण के ऊपर उसने के पैसे मांगेगा, इसके लिए उसने गोली मारी। क्या होती से आपकी पुरानी कोई रंजिश या दुश्मनी थी? हमारी कोई रंजिश कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर ऐसा क्यों गोली क्यों मारी? पैसों के पीछे। क्या पुलिस को आपने सूचना दी? नहीं। क्यों? उसने पहले कोई हमसे कहकर भी तो नहीं कहा कि हम ये मतलब लड़ाई करेंगे या नहीं, पहले कोई सूचना नहीं दी थी? नहीं। अच्छा, आज जब आपके पति के गोली मारी है, क्या आपने फिर पुलिस को सूचना दी? दी। पुलिस मौके पर पहुंची? पहुंची। कितनी देर बाद? 2 घंटे बाद। अब क्या लगता है आपको, इस उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस से आपको इंसाफ मिलेगा? कोई पता नहीं। आज गांव मड़ावली में गोली चली है, एक युवक की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? थाना धनारी का गांव, ये मैढोली है जी, इसमें एक लड़का है जिसका नाम है राम निवास। राम निवास ने पिछले 1 साल पहले अपने ही गाँव के होती नाम के व्यक्ति से 30,000 रुपये ले करके एक औरत को खरीद कर अपने घर पर लाया था। हालांकि उस औरत से इसके एक बच्चा भी है, ये पैसे वापस नहीं कर रहा था। राम निवास जब पैसे वापस नहीं कर रहा था तो होती का इनका आपस में आज सुबह झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद में होती के द्वारा इसे गोली मार दी गई है। थाने पर रिपोर्ट